सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। उस सुनसान सड़क पर मोहित की कार फुल स्पीड में चली जा रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी श्रेया के कानों में ईयरफोन लगा हुआ था और उसका हिलता हुआ सिर बता रहा था कि वो अपनी पसंद का कोई गाना सुन रही है। पीछे की सीट पर उसकी बेटी साक्षी अपनी गुड़िया को कसकर पकड़कर सोई हुई थी। मोहित कार के शीशे में कभी अपनी बेटी को देखता और कभी बगल में बैठी अपनी बीवी को। मोहित की कार अब हाईवे पर पहुंच गई थी। अजीब सा सन्नाटा था उस हाईवे पर, कुछ वैसा ही सन्नाटा जो शमशान घाट में होता है। मोहित का पैर एक्सीलेटर पर दबा हुआ था और स्पीडोमीटर की सुई 100 का कांटा छू रही थी। अचानक मोहित की कार के आगे एक औरत जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठाए हुए था वो आ गई। मोहित के ब्रेक लगाते लगाते उसकी कार ने उस औरत को टक्कर मार दी। वो औरत अपने बच्चे समेत 20 फुट ऊपर उछल गई और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वह विवत से दृश्य देखकर मोहित के पैर कांपने लगे। मोहित ने अचानक से ब्रेक मारी। अचानक से ब्रेक लगाने के कारण पूरी गाड़ी का नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टकरा गई। मोहित की आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे तभी। क्या हुआ मोहित, अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? श्रेया, श्रेया, एक्सीडेंट हो गया मुझसे। वो औरत, उस औरत को बच्चे समेत मार दिया मैंने। ये तुम क्या बोल रहे हो, किस औरत को तुमने मार दिया? सामने देखो श्रेया। सामने क्या है? सामने सामने तो कुछ भी नहीं है। मोहित कार की विंड स्क्रीन से सामने की ओर देखता है। वहां ना तो कोई औरत थी और ना ही उसका बच्चा। दूर दूर तक वो हाईवे सुनसान था। श्रेया, श्रेया, अभी अभी मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मोहित बार बार एक ही बात बोले जा रहा था लेकिन सड़क तो सचमुच सुनसान थी। मोहित, लगता है बहुत देर ड्राइव करने के कारण तुम थक गए हो। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं चलाती हूँ कार। तभी पीछे की सीट से साक्षी ने कहा, पापा हम पहुँच गए क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुँचे हैं हम। मुझे जोरों की भूख लगी है पापा। वो चिप्स का पैकेट दिया था ना तुम्हें, वो तो कब का खत्म हो गया। गाड़ी में अब और चिप्स के पैकेट नहीं पड़े थे और ना ही कुछ और खाने का सामान था गाड़ी में। मोहित, रास्ते के किसी लाइन होटल पर रोकना गाड़ी, वहीं खाना भी खा लेंगे और रास्ते के लिए कुछ ले भी लेंगे। लेकिन मोहित तो जैसे किसी अलग दुनिया में था। उसकी आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो औरत और वो बच्ची, वो कहाँ चली गई? मैंने खुद देखा है दोनों को मेरी गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरकर तड़पते हुए। मोहित, क्या हुआ, क्यों रोक रखी है कार? चलो ना, मुझे भी भूख लगी है। लॉकडाउन में 2 साल घर में बंद रहते रहते मोहित, उसकी पत्नी और साक्षी बिल्कुल पक गए थे। 2 दिन पहले ही मोहित और श्रेया ने अपनी बेटी साक्षी की जिद पर रोड ट्रिप प्लान किया था। वैसे मन तो दोनों का था कहीं बाहर घूमकर आने का, इसलिए वे सभी पहाड़ों पर पूरे 10 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए थे। मोहित कार तो चला रहा था लेकिन अब उसकी स्पीड कम थी। हालांकि वो बात अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। मोहित, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा यार, लाइन होटल कितनी दूर होगा? पता नहीं श्रेया, लेकिन होगा तो जरूर। ये नेटवर्क बिना ऐन वक्त पर चला जाता है। मम्मा, मैंने कहा था ना और चिप्स खरीद लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। बस तुम्हें तो यही सब खाना होता है हमेशा, फिर पेट में दर्द होने पर हमारे सिर में दर्द कर देती हो। अपनी पत्नी और बेटी की बातों को सुनकर मोहित धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। तभी साक्षी, जो शीशे से बाहर देखती हुई जा रही थी, एकदम से चिल्लाकर बोली, पापा स्टॉप द कार, वो देखो वहाँ है लाइन होटल। हाईवे के किनारे वो लाइन होटल भी कुछ अजीब सा ही था। बाहर से देखकर उसे लग रहा था कि कोई बहुत मजबूरी में ही उस होटल पर रुकता होगा और खाना खाता होगा। अब ऑप्शन क्या है मोहित, एक तो नेट नहीं आ रहा फोन में और आगे ना जाने कितने किलोमीटर पर लाइन होटल हो उसका क्या पता, और तुम देख रहे हो ना साक्षी को कितनी जोरों की भूख लगी है। मोहित ने कार को होटल के बाहर खड़ा किया और वे तीनों होटल की ओर बढ़ने लगे। रिसेप्शन तो उसे नहीं कह सकते, होटल के गल्ले पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर एक बड़े से कटे का निशान था।
साक्षी और श्रेया तो उसका चेहरा देखकर ही डर गए। होटल में कुछ और स्टाफ भी थे, वे सब के सब उन लोगों को विचित्र नजरों से घूर रहे थे। सभी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन भूख भी तो लगी थी उन्हें। मोहित, तुम खाना ऑर्डर करो, हम दोनों फ्रेश होकर आते हैं। वॉशरूम किधर है भैया? वॉशरूम वो तो नहीं है मैम साहब, होटल के पीछे एक कुआं है, आप हाथ मुंह वहीं धो लीजिए, और पीछे एक खाली मैदान भी है अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो। श्रेया और साक्षी दोनों मुंह बनाते हुए होटल के पीछे चले गए। भैया, खाने में क्या मिलेगा? साहब, हमारे यहाँ केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बोलिए क्या खाएंगे। मोहित ने खाना का ऑर्डर दिया और होटल के बाहर लगी चारपाई पर बैठ गया और हाईवे से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगा। तभी मोहित की नजर एक लाइन होटल की बाईं ओर बैठी एक औरत पर गई, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठा रखा था। जैसे ही उस औरत पर मोहित की नजर गई, उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। ये तो वही औरत है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी, मैं इसे बिल्कुल नहीं भूल सकता, यही तो उसने साड़ी पहन रखी थी। वो औरत मोहित को अजीब नजरों से घूरने लगी। मोहित को अब बहुत डर लगने लगा था। तभी उसने देखा कि वो औरत उस बच्ची को गोद में लेकर उठी और हाईवे के दूसरी ओर से आ रहे एक ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। पूरी स्पीड में आते हुए उस ट्रक ने उस औरत को जोर से धक्का मारा और दौड़ते हुए चली गई। यह सब देख मोहित के मुंह से चीख निकल गई, उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंद आ गई। दिल की धड़कन तो इतनी अनियंत्रित हो गई थी कि लगता था कि हार्ट फेल हो जाएगा, वह शॉक्ड था। तभी उसकी पत्नी श्रेया भागते हुए उसके पास आई। मोहित, जल्दी चलो यहाँ से, साक्षी कुएं में गिर गई है। साक्षी कुएं में गिर गई है, लेकिन कैसे? मोहित अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ होटल के पीछे गया। कुएं से अब भी साक्षी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पापा, पापा, मम्मा, मुझे बचाओ। मोहित ने कुएं में झांक कर देखा तो साक्षी बेचारी बाहर आने को हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो चाह कर भी ये नहीं कर पा रही थी। रस्सी, रस्सी कहाँ है? मोहित भागता हुआ होटल के रिसेप्शन पर गया, लेकिन रिसेप्शन पर तो कोई नहीं था। तभी उसकी नजर होटल के बाहर चारपाई पर बैठी अपनी बेटी और पत्नी पर गई। ये दोनों यहाँ है तो फिर वहाँ होटल के पीछे कौन था? तभी उसकी बेटी ने हाथ हिलाते हुए उसे बुलाया। पापा, यहाँ आओ ना, वहाँ क्या कर रहे हो? ये सब देखकर मोहित का सिर चकरा गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो ना तो श्रेया उसके पास थी और ना ही साक्षी। उसे अपने आसपास मरे हुए जानवर की बदबू भी आ रही थी। ये कैसी बदबू है? वो बदबू उसके बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसे उल्टियां आने लगी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और श्रेया और साक्षी को ढूंढने लगा। श्रेया, श्रेया, साक्षी, साक्षी। तभी उसने देखा कि एक बार फिर से श्रेया उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। मोहित, मोहित, यहाँ से निकलो, चलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। ये लोग जल्लाद हैं, यहाँ पर इंसानों का मांस पकाया जाता है। इंसानों का मांस? ये तुम क्या कह रही हो? तुम इधर आओ मेरे साथ। श्रेया मोहित को लाइन होटल के किचन में लेकर गई। वहां पर वैसे ही बदबू फैली हुई थी, हर ओर खून ही खून था। श्रेया ने फ्रिज को खोला तो मोहित को उसमें इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर दिखाई दिए। साक्षी, साक्षी कहाँ है? कहाँ है साक्षी? साक्षी नहीं है अब, वो नहीं है अब हमारे साथ, इन लोगों ने उसे मार दिया है। मार दिया? अरे मेरी फूल सी बच्ची को मार दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मोहित ने किचन में पड़ा एक बड़ा सा चाकू अपने हाथों में उठाया और श्रेया के साथ भागता हुआ बाहर आया और होटल के काउंटर पर बैठे उस अजीब से आदमी के गले पर अपना चाकू रख दिया। तुम लोग यहाँ पर मानव मांस पकाते हो, तुमने मेरी बेटी को भी मार डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? मोहित ने होटल के मालिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और वो तब तक उसे मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। उसे मारने के बाद एक बार फिर उसकी नजर सड़क पर गई
उसे फिर से वही औरत गोद में बच्चे को लिए हुए खड़ी दिखाई दी। वो अब भी उसे उसी तरह घूर रही थी। श्रेया, ये देखो, ये वही औरत है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे परेशान कर दिया है। वो अपने हाथों में चाकू लिए सड़क पर भागने लगा। वो औरत भी बच्चे को गोद में लिए आगे आगे भागे जा रही थी। श्रेया भी मोहित को आवाज देते हुए उसके पीछे भागने लगी। तभी कुछ ही दूरी पर मोहित को सड़क के किनारे एक पेड़ के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वह भागता हुआ उनके पास गया और अपनी आप बीती उन्हें सुनाने लगा। लेकिन पुलिस वाले तो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर भी पुलिस की टीम के साथ खड़े थे। पुलिस की टीम एक कार से बारी बारी से कुछ लाशें निकाल रही थी। पहली लाश मोहित की बेटी की थी, दूसरी उसकी पत्नी की और तीसरी उसकी खुद की। जब इतना बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा रखा है कि आगे खतरा है इस रोड पर ना जाए, फिर भी इस फैमिली को ये बोर्ड नहीं दिखा। सर, ये फैमिली क्या, पिछले 6 महीने से ये बोर्ड लगभग 2 दर्जन फैमिली को नहीं दिखा है और वे इस रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होकर पूरे परिवार के साथ अपनी जान गंवा चुके हैं। अगले दिन की अखबारों की हेडलाइंस में उसी एक्सीडेंट की खबर छपी थी। एक बार फिर से सालों से बंद पड़े उस खौफनाक सड़क ने एक परिवार को मार डाला था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।